हिमाचल मैन पावर एसोसिएट लिमिटेड ने हाल ही में विभिन्न पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें कंपनी प्रबंधन अपने वर्किंग नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए हर जिला में भर्ती अधिकारी नियुक्त करने जा रहा है। कंपनी के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि सीपीओ के इंटरव्यू 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मुख्य कार्यालय सुंदरनगर में लिए जाएंगे। इंटरव्यू के दिन ही नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को 20 जनवरी 2021 से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कंपनी द्वारा चयन किए गए रोल नंबर में 4405, 4707, 4408 के अलावा कई रोल नंबर चयनित किए गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के दौर में कंपनी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने में प्रयासरत है। हिमाचल मैन पावर एसोसिएट लिमिटेड सुंदरनगर ने 718 विभिन्न पदों को हाल ही में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। इसके लिए हमने जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें से 122 के तकरीबन अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 86 कैंडिडेट्स ने अपना भाग्य आजमाया लिखित परीक्षा में, और जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं वो उन्हीं को हमने जो है एक गोल्डन चांस दिया हुआ है, मौका दिया हुआ नौकरी के लिए, और हमने उनका चयन भी कर दिया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों में रोल नंबरों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों में रोल नंबर जो है क्रमांक अनुसार दर्शाए गए हैं, और 718 विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए हमने जो है कोरोना काल के तहत जो है 5-5 कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की थी एग्ज़ाम के लिए। और जो अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उन्हें हिमाचल मैन पावर एसोसिएट हर जिला में सीपीओ तैनात करने जा रही है। उसकी इंटरव्यू 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो है चलेगी मुख्य कार्यालय सुंदरनगर में, और इसका जो ज्वाइनिंग डेट है वो अगले नए वर्ष में 2021 में 20 जनवरी से उन्हें ज्वाइनिंग देनी होगी। अपने अपने जिला गृह जिला के लिए हम ये भर्ती कर रहे हैं, और जो जिन्हें सीपीओ नियुक्त करेगी हर जिला में अपने वर्किंग नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए हर जिला में हमने सिविल प्लेसमेंट ऑफिसर सीपीओ नियुक्त करने हैं, और जिसकी ट्रेनिंग बतौर 6 माह तक रहेगी, और इंटरव्यू के दिन ही हम उनको उनका वर्क क्या उन्होंने अपना कार्य करना है वो सभी चीज़ें हम उन्हीं को बताएंगे, और उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर या तो डाक माध्यम द्वारा भेज दिए जाएंगे या तो उसी दिन हम जारी कर देंगे। इसमें से अभी 78 के करीब है। शर्त ऐसा है भी हम जो है इसके लिए डेली 5-5 कैंडिडेट्स बुलाते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए हम ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते, इसके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए 4 या 5 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तक हमने 325 के करीब बेरोजगार अभ्यर्थियों को जॉब दिया हुआ है। इसमें से सिविल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सिविल सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो गया, एक्स सर्विस मैन हो गया, और क्लरिकल, ये विभिन्न प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए हमने जो है इंटरव्यू लिया हुआ है।